टीवी भदोही की आवाज आपके साथ। नमस्कार, पीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं जिले की प्रमुख खबरें। शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ, भदोही जिला प्रशासन ने ईंट भट्टा मजदूरों को उनके प्रदेश और जिलों में भेजने के लिए अहम कदम उठाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईंट भट्टा श्रमिकों की और उनके पारिश्रमिक की, उनके घर वापसी की। तो इस मसले पे जिला प्रशासन ने आज ईंट भट्टा संचालकों के साथ एक अहम मीटिंग की और इस मीटिंग में यह निर्देश दिया गया कि सभी मजदूरों का पैसा भुगतान कर और उनके घर वापसी के लिए प्रमाण पत्र दिया जाए। जिला प्रशासन उनको उनके जनपद, उनके प्रदेश, उनके घरों तक भेजने में जुटी हुई है। जी हां, इस अहम खबर के साथ आज की शुरुआत। प्रदेश शासन की मंशा के तहत भदोही जिला प्रशासन ने ईंट भट्टा श्रमिकों के लिए बेहद अहम कदम उठाया है। उनकी घर वापसी के इंतजाम के लिए आज जिला प्रशासन ने ईंट भट्टा संचालकों के साथ अहम मीटिंग की और इस मीटिंग में कई निर्णय लिए गए। पूरे मामले में ईंट भट्टा संचालक संघ के अध्यक्ष मिठाईलाल दुबे और संगठन से जुड़े तहसीलदार सिंह ने बीएनएन टीवी से खास बातचीत की। दोनों ने ईंट भट्टा मजदूरों की घर वापसी और उनके बकाया भुगतान की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारियां दी। साथ ही बताया कि एक विशेष ट्रेन से श्रमिकों को घर वापस भेजने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से आज यह अहम मीटिंग की गई है। साथ ही श्रमिकों का बकाया भुगतान करने और उसका अदेय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन ने प्रदेश और केंद्र शासन की मंशा के तहत आज श्रमिकों की घर वापसी के लिए बेहद अहम कदम उठाया। सुनिए ईंट भट्टा संचालक संघ के अध्यक्ष मिठाईलाल दुबे क्या कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो प्रवासी श्रमिक भट्टों पर आए हैं, अब भट्टे का सीजन खत्म हो गया है, उन श्रमिकों को उनकी मजदूरी पूरी की पूरी मिल जाए, उसका प्रमाण पत्र भी भट्टा स्वामी दें और उनको अपने घर तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और सभी भट्टा स्वामी उनकी लिस्ट दे करके जिला कार्यालय में और उनको सकुशल उनके घर तक पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी विभाग की और भट्टा स्वामी की है। इसीलिए डीएम साहब ने आज मीटिंग आहूत की थी जिसमें समस्त ईंट भट्टा स्वामी आए हुए हैं और सब लोगों ने शिरकत किया, जिसमें यह तय किया गया कि आज सभी भट्टा स्वामी अपने अपने भट्टों पर जो प्रवासी श्रमिक हैं उनकी लिस्ट जिलाधिकारी को सौंप देंगे और जिलाधिकारी उसको रेल विभाग से बात करके और स्पेशल ट्रेन 13 तारीख को, उन्होंने कहा है कि आप लोग पैसा किराया जमा कर दीजिए भट्टा स्वामी, और 13 तारीख को भदोही में ट्रेन मुहैया करा दी जाएगी। वो जिसे जहां जाना होगा, जैसे छत्तीसगढ़ के लेबर हैं और आपके झारखंड के लेबर हैं, इनके लिए ट्रेन मुहैया हो जाएगी और सारे लेबर कुशल से अपने सकुशल अपने घर पहुंच जाए। कि पूरे इस सीजन में भट्टा भी चलवा दिए और श्रमिकों को अपने जनपद में भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन भी करा दिए, उसी लिए आज मीटिंग थी। सारे भट्टा हमारे अध्यक्ष जी ने ये प्रस्ताव रखा और 13 से लेकर 18 तक यहाँ से भदोही से हमारे जिले से ही ट्रेन चलेगी, जो कि श्रमिकों को अपने गृह जनपद में छोड़ने का कार्य करेंगे। तो सरकार से कुछ और मांगे आप लोगों की? सरकार से कोई मांग नहीं, सरकार से जो भी मांग था पूरा किया और उम्मीद है कि आगे भी पूरा करेंगे। बीएनएन टीवी भदोही की आवाज आपके साथ। एक और अहम खबर के एनपीजी का लेस से, जहां के छात्र नेताओं ने आज प्राचार्य को एक पत्रक सौंपा है। पत्रक में उन्होंने यह मामला उठाया है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्र नेताओं ने
आज की एनपीजी कॉलेज के प्राचार्य को एक पत्रक सौंपा। इस पत्रक में छात्र नेताओं ने छात्रों की विभिन्न समस्याओं और फीस से संबंधित मामले को भी उठाया। इस दौरान छात्र नेता और प्राचार्य ने बीएनएन टीवी को यह अहम जानकारियां दी। सुनिए क्या कहते हैं छात्र नेता और प्राचार्य। महाविद्यालय के छात्र हैं वो स्नातक और परास्नातक के जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, परास्नातक के प्रथम और द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं, वो कोविड-19 के चलते महाविद्यालय आने में उनको व्यवधान हो रहा है, जिसके चलते उनको जिस प्रकार कोविड-19 लगातार जनपद में फैल रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम सभी ने आज प्रचार महोदय को ये ज्ञापन सौंपा कि जिसमें हमारे स्नातक के प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्र हैं तथा परास्नातक के द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको अगले कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाए। और फीस शुल्क वृद्धि के बारे में क्या करना है? शुल्क वृद्धि के मामले में लगातार हम लोग को आंदोलन जो चल रहा था, आज कल रात 6 तारीख को, गत 6 तारीख को विद्यापीठ से कुलपति के लेटर पैड पे आश्वासन आ गया है कि शुल्क वृद्धि कम हो गई है। इस आंदोलन को धार देने वाले सभी हमारे नौजवान साथियों को जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। इसलिए परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई है तो उसी पद्धति से 3 घंटे का पेपर और जैसे जिस प्रश्न पत्र का तरीका था लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न था उसी तरह से करने का विचार कर रहा है। दूसरी बात, जो सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें भी विश्वविद्यालय स्तर पर मनमाना चल रही है। वाइस चांसलर जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक विचार ये भी है कि जल्दी कराने के लिए इनको बहुविकल्पीय पद्धति से परीक्षा कराई जाए, लेकिन अभी उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया। तो ये परीक्षाओं के संदर्भ में ही मैं बात कर सकता हूँ कि मौजूदा पद्धति भी है कि जब भी परीक्षाएं शुरू होंगी पहले ग्रेजुएशन की छूटी हुई परीक्षाएं होंगी। इस बात पर विचार चल रहा होगा जरूर कि क्यों ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को ये आगे उनको बढ़ा दिया जाए, प्रमोशन दे, जनरल प्रमोशन दे के आगे बढ़ा दिया जाए, तो इस बारे में निर्णय सारा विद्यालय को लेना होगा। लेकिन थर्ड ईयर की परीक्षाएं जरूर होंगी और सेमेस्टर की परीक्षाएं जब भी होंगी तो उसके लिए अभी विद्यालय को विचार कर रहा है। सेमेस्टर परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी पिछले 10-15 दिन से उभर के सामने आया फीस के बारे में। विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ा दी थी, पहले पिछले बार 1800 रुपये ले गया था, फिर घटा के उन्होंने 1500 रुपये दिया सेमेस्टर का जनरल सब्जेक्ट्स का और बीएड का उन्होंने 1875 कर दिया। लेकिन आज जो मुझे मेरी जो वार्ता हुई है विश्वविद्यालय में उसके अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं की फीस को घटाने के लिए सहमत हो गया है और इस संदर्भ में हम लोगों को इच्छा करना कि जैसे ही आदेश आए उस आदेश का अनुपालन में फीस जमा की जाए। आज की डेट तक अभी 1500 रुपये सेमेस्टर फीस और 1875 रुपये की बीएड की फीस जमा हुई है। यहाँ मैं अपने परीक्षार्थियों को जो कि बहुत गरीब वर्ग से भी आते हैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर विश्वविद्यालय के द्वारा फीस में कोई कमी की जाएगी तो उस जो अतिरिक्त जो पैसा महाविद्यालय उन्होंने जमा किया है उनको उस पैसे को उनको। जहां बात करते हैं जिले की सबसे बेहद और अहम खबर की, ठगी के मामले में गिरफ्तार किए गए बारीपुर के ग्राम प्रधान रुद्रपद दुबे उर्फ श्रवण और फरार चल रहे इस मामले में एक और आरोपी और प्रधान के भाई मायापत दुबे पे शिकंजा और कसेगा। जी हाँ, पुलिस पूछताछ में जो अभी तक की जानकारियां सामने आई है उसके लिहाज से पुलिस और इस मामले में प्रदेश के कई स्थानों पे दबिश दे चुकी एसटीएफ भी पूरी तरह से प्रकरण पे नजर गड़ाए हुए है। और सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि ये मामला हाई प्रोफाइल मामला हो चुका है। हालांकि इस मामले का रिजल्ट किस रूप में सामने आता है ये विवेचना जांच और पूछताछ पे आधारित है जो बहुत ही जल्द हम सभी के बीच में होगा। तो सबसे बड़ी खबर कोई रौना थाना क्षेत्र की अभी तक की यही है कि इस मामले में पुलिस और एसटीएफ की टीमें पूरी तरह से ध्यान केंद्र बिंदु कर मामले की छानबीन और पड़ताल कर रही हैं। अभी तक की अहम जानकारियों में बस इतना ही, कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ठगी के मामले में आरोपित डीग ब्लॉक के बारीपुर के ग्राम प्रधान
रुद्रपद दुबे और उनके भाई मायापति दुबे पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। कोइरौना थाना क्षेत्र का यह मामला इस समय पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।